अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला मल्ला नबी अबादा। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह अल मायदा की आयत नंबर 27, 28 और 29 होगा इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतलु अलैहिम नबा, वतलु और तलावत कीजिए, पढ़िए। वतलु आप कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, तालाम इसमें मौजूद है, अलिफ और वाते लगा दें तो तलावत बन जाता है। अलैहिम इन पर, नबा अबनई आदम, नबा खबर, अहम खबर को कहते हैं नबा। नबा अब नई आदम, आदम के दो बेटों की। अब नई जो है ये तस्निया है किसका? इबन का, अलिफ बे नून। और इबन को आप जानते हैं जैसे ईसा इबन मरियम, और हम कहते हैं मोहम्मद इबन कासम, तो इबन बेटा होता है। नबा अब नई आदम बिल हक, हक के साथ। इज करबा, जब दोनों ने कुर्बानी की। करबा भी तस्निया का सीगा है। कुर्बानन कुर्बानी, ये जो करबा है अगर आप देखें काफ राबा इसमें है तो उर्दू का लफ्ज करीब बन सकता है और मुकर्रब, और कुर्बानी देने से बंदा क्या होता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। कुर्बानन कुर्बानी, फतुकुबिला तो कबूल कर ली गई। मैंने ये बताया था आपको कि काफ के ऊपर पेश है और बा के नीचे जेर है, तो ये माजी का मजहूल है, यानी पैसिव है, माजी में कबूल कर ली गई। फतुकुबिला मिन अहादे मा, अहद कहते हैं एक को, अहादे मा दोनों में से एक की। वलम और ना, जो तकबल कबूल की गई, मिनल आखर दूसरे की, और दूसरे की कबूल ना की गई। काला उसने कहा, लाक तो लन्नक, लाम और नून मुतशद्दद जो है ये जरूर बिल जरूर ताकीद के सीगे हैं, आप कई बार पढ़ चुके हैं। और अकतुला मैं कत्ल करूंगा, और जो आखिरी काफ है अकतुलन्नक का हज़र का जो आखिरी है, इसका मतलब तुम्हें, मैं जरूर बिल जरूर तुम्हें कत्ल करूंगा। क्या करूंगा? जरूर बिल जरूर तुम्हें कत्ल करूंगा। तो एक ने कहा जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, फाला कहा, अब दूसरे ने कहा, इन्नमा बेशक, या तकब्बलुल्लाह हो, कबूल करता है अल्लाह। अच्छा, इन्नमा जो है, इन्ना का माना भी बेशक होता है और इन्नमा का माना भी बेशक, इसमें फर्क क्या है? इन्ना बेशक, इन्ना बेशक हम, और इन्नमा बेशक, ये जो इन्नमा है ये इसका माना होता है कि ये बेशक से ज्यादा स्ट्रेस है इसमें, बस यही। या तकब्बलुल्लाह हो, कबूल करता है अल्लाह ताला मिनल मुत्तकीन, परहेजगारों से। आयत नंबर 27 जो है इसका बा मुहावरा तर्जमा सुने और पढ़कर सुनाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रैकेट में करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पढ़कर सुनाएं आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की खबर इन पर, हक के साथ इन पर पढ़कर सुनाएं। जब दोनों ने कुर्बानी की तो उन दोनों में से एक की कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल ना की गई। तो उसने कहा, मैं जरूर बिल जरूर तुम्हें कत्ल करूंगा। दूसरे ने कहा, दूसरे को ब्रैकेट में करें, बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों से कबूल करता है। अगली आयत देखें, लाइन बसत्ता इलैया, लाइन अगर अलबत्ता, लाम अलबत्ता इन अगर, अलबत्ता अगर, बसत्ता तूने बढ़ाया, ता जो एंड पे है तूने, और इसका जो रूट वर्ड है बा सीन और तोए है ता, तो उर्दू का लफ्ज एक बसात होता है, बे सीन अलफ तोए बसात, पहुंच, तेरी बसात कितनी है, ताकत भी उसको कहते हैं, तो असल में उसकी पहुंच को बसात कहते हैं। तो तूने बढ़ाया, जब बंदा हाथ बढ़ाता है तो वो पहुंचाता है किसी जगह, यानी जहां तक उसकी पहुंच है, जहां तक उसकी कुवत है। तो बसत तो अगर तूने बढ़ाया, इलैया मेरी तरफ, यदक अपना हाथ, यदा का लितक तुलनी, ताकि तू मुझे कत्ल करे, इसमें काफ का लाम मौजूद है, रूट वर्ड कत्ल, और नी जो है इसका माना मुझे, माँ आना, माँ नहीं आना मैं, बेबासित बढ़ाने वाला, बासित बढ़ाने वाले को कहते हैं, ये भी वही बसात वाला रूट वर्ड है। बेसाति यदिया अपना हाथ, यद हाथ को कहते हैं, जैसे नमाज में आप दोनों हाथ हाथ शुरू में उठाते हो, हम कहते हैं रफ़ुल यदैन किया है, दो हाथ उठाए हैं, इलाही का आपकी तरफ, लियाक्तुलक ताकि मैं तुझे कत्ल करूं, इन्नी अखाफुल्लाह बेशक मैं डरता हूं, मैं खौफ खाता हूं अल्लाह से, रब्बल आलमीन जो जहानों का रब है। इसका बा मुहावरा तर्जमा सुने, अलबत्ता अगर तूने मेरी तरफ मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मैं तेरी तरफ तुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाने वाला नहीं हूँ, बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो आलमीन का रब। तीसरी आयत देखें, इन्नी बेशक मैं उरीद इरादा रखता हूँ, चाहता हूँ, अन तबुआ के तू लौटे, ताके मानी तू बुआ लौटे, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है सूरह बकरा में, बाऊ वगैरह, यानी वो लौटे गज़ब मिनल अल्लाह के गज़ब से, वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे, बनी इसराइल के बारे में आया था, बल्कि गज़ब पर गज़ब लेके लौटे, तबुआ तू समेट ले इसमी मेरे गुना, इस्म गुना को कहते हैं से, इस्मिक और अपने गुना, इस्मिका फतकूना पस्त हो जाए, मिन अस्हाब नार दोज़ख वालों में से, वज़ालिका और यही जजा उस ज़ालिमीन, जजा है बदला है ज़ालिमों का। इसका बा मुहावरा तर्जमा सुने, बेशक मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह और अपने गुनाह के साथ लौटे और तू अहले दोज़ख में से हो जाए, और यही बदला है ज़ालिमों का। ये तीन आयतें पूरी हुई, आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं, वापस आ जाएं। अल्लाह सुबहाना व ताला प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमा रहा है कि इन पर कुरान की तलावत कीजिए, इन पर उस वाक्य की तलावत कीजिए जो आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक्य है। इसमें बड़ी अहम बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत तो पूरे कुरान की करते थे जो भी नाज़िल होता था, लेकिन यहाँ पर कहना कि पढ़कर सुनाइए,
महसूस होता है बहुत अहम बात होने वाली है। और आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बारे में उनकी खबर को पढ़ के सुनाइए। मुफस्सरीन ने लिखा है इन दोनों के नाम हाबील और काबील थे। हक के साथ पढ़िए और आगे फरमाया जब दोनों ने कुर्बानी की, दोनों ने एक कुर्बानी की। यहाँ पर फिर स्ट्रेस है, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि किस चीज़ की कुर्बानी की, गाय की, दुम्बे की। अगर अल्लाह ये भी जिक्र करता तो हमारा ज़हन उस जानवर की तरफ चला जाता, तो असल में इंसान के ज़हन को मरकूज रखना है। इसलिए इतनी बात क्या कि आगे बात चला दी कि एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे की नहीं की गई। और जो जिसकी नहीं की गई थी उसने कहा मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल करूंगा, तो जिसकी कबूल हुई थी उसने कहा अल्लाह ताला तो परहेजगारों से कबूल करता है। इसमें दो तीन बड़ी आम बातें हैं। एक तो ये कि पहला कत्ल दुनिया में जो हुआ वो हसद की बुनियाद पर हुआ। एक भाई की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की नहीं हुई, तो जिसकी नहीं हुई वो कत्ल करने पर आ गया। दुनिया का पहला कत्ल हसद की बुनियाद पर हुआ। आज भी देख लें बनी आदम में हमारे अंदर हसद कितना है, हमसाय के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हत्ता के दोस्तों से हसद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बला है, बीमारी है, इससे बचना चाहिए। और हदीस में ये भी आता है कि जो भी कोई कत्ल करेगा उसका गुनाह तो मिलना ही है उसे, और उस कत्ल का गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील को भी मिलेगा। क्यों? कि काबील जो है वो पहला कातिल है। इसलिए कोई बुरा काम शुरू करना ये इंसान के लिए वबाल है कि वो बुरा काम जितने लोग करते रहेंगे, जिसने शुरू किया, जैसे कोई दीन में बिदअत शुरू कर देता है सुन्नत के मुकाबले में, तो जितना गुनाह उसको है बाद में क्यामत तक जितने लोग करेंगे सारा उनके बराबर उसको गुनाह मिलेगा। तो फरमाया उसने कहा एक तो ये सबक है हसद की बुनियाद पे हुआ। दूसरा एक लोगों ने ये वाक्या भी नकल किया है कि वो दोनों भाई इसलिए कुर्बानी करने गए कि वो जो काबील था वो उस लड़की से शादी करना चाहता था जो उसके साथ पैदा हुई थी, और उस वक्त रिवाज था कि जो जिस बेटे के साथ जो बहन पैदा होती वो दूसरे भाई की साथ शादी होती। लेकिन इसकी सनद सही नहीं है, ये सनद के एतबार से सही वाक्या नहीं है। कुरान ने जो बयान किया कि हसद की बुनियाद पे हुआ तो बस यही ठीक है। तो जिसकी कुर्बानी कबूल हुई थी वो कितना साबिर है, वो कहता है कि अल्लाह मुत्तकियों से कुर्बानी कबूल करता है, अल्लाह से डरने वालों। हमें भी अल्लाह से डरना चाहिए, तकवा अख्तियार करना चाहिए, तो फिर अल्लाह हमारी नेकियां भी कबूल करे। और जो तकवे की बुनियाद पे नेकी ना हो वो कबूल नहीं की जाती। आगे फरमाया अलबत्ता अगर तू अपना हाथ बढ़ाएगा, उसी ने कहा दूसरे भाई ने, अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाएगा, हाथ से मरा दिए नहीं कि हाथ से ही मारा जाता है और चीज़ों से भी मारा जाता है, मतलब यह है कि अगर तू मुझे मारने पे तुल जाएगा तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो जहानों का रब है। इसमें दो बातें समझ लें, एक तो एक तरफ ये है कि अपने माल और जान की हिफाजत करते हुए आप मर भी जाएं, कत्ल हो जाएं, तो आप शहीद हैं, तो फिर लड़ना तो नजर आता है कि लड़ना चाहिए जो बंदा कत्ल करता है आपको। तो असल में इस भाई ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी हिफाजत नहीं करूंगा, बस ये कहा कि मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, हाथ जरूर उठाऊंगा लेकिन सिर्फ अपनी हिफाजत तक। क्यों ऐसा किया? सही बुखारी में हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कातिल और मकतूल दोनों आग में जाएंगे,
सहाबा ने पूछा कातिल की समझ तो आती है, मकतूल कैसे जाएगा? आपने फरमाया दोनों का इरादा कत्ल करने का था, जिसका वार चल गया उसने कत्ल कर दिया, अगर मकतूल का चलता तो वो भी कत्ल कर देता, इसलिए जहन्नम में जाएंगे। तो गोया के जो नीयत है ये बहुत काउंट करती है, तो ये इरादा ना करें, बल्कि अपने दफा का इरादा आप कर सकते हैं, और बल्कि दफा करना फर्ज है, करना चाहिए, ये बात समझने वाली। और उसने फरमाया आगे, उसने कहा कि मैं जहानों के रब से डरता हूँ, नेकी जो अल्लाह से डर कर की जाए वही तकवे की उसकी बुनियाद है और वही काबिल कबूल है। तीसरी आयत में उसने कहा जिसको वो मारना चाहता था, यानी हाबील ने कहा, काबील कातिल था और हाबील जो था उसकी कुर्बानी कब कबूल हुई थी। इनको याद रखने के लिए भी आपको मैं एक निमोनिक्स बताता हूँ, क्योंकि हाबील और काबील तो याद रह जाते हैं लेकिन ये भूल जाता है आम लोगों को कि कातिल कौन था और जिसे कत्ल किया गया वो कौन था, क्योंकि बाद में उसने कत्ल कर दिया था, आगे आएगा। तो कातिल वो था जो काबील था, यानी कातिल काफ नुक्तों वाले से लिखा जाता है और काबील भी दो नुक्तों वाले काफ से लिखा जाता है, तो जो जिनका काफ कॉमन है वो कातिल है जो काबील है और दूसरा मकतूल है, ये याद रखने के लिए। उसने कहा मेरा ये इरादा है कि अगर तुम मुझे कत्ल करे तो मेरे गुनाह और तेरे गुनाह दोनों लेकर तू वापस पे और जहन्नम में जाए। देख लें ना हक कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। और आगे फरमाया कि जालिमों की यही सजा है, ये किसी को नाजायज कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान ने ऐसे आदमी को जो मुसलमान को बिला वजह कत्ल करता है, ना हक कत्ल करता है, उसको भी हमेशा हमेशा जहन्नम की वही सुनाई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।